दवाइयों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए, जहां बाजार के 53 दवाइयों के सैंपल जो है वो फेल हो गए हैं। 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल करार दिया गया है। पैरासीटामोल सहित 53 दवा क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 53 दवा जो है वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है। कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, मधुमेह रोधी गोलियां और उच्च रक्तचाप की दवाइयों सहित 50 से अधिक दवाइयां भारत के औषधि नियामक से गुणवत्ता प्रशिक्षण में विफल रही हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में जो लोग बड़े स्तर पर पैरासीटामोल, पैंडी, पेंटोसिड और टेल्मा एच जैसी ब्रांडेड दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ड्रग रेगुलेटरी संस्था CDSCO ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट दो भागों में प्रकाशित हुई है, जिनमें पहली रिपोर्ट में 48 दवाओं के नाम है और दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाओं के नाम है। ये दूसरी रिपोर्ट इसलिए अलग से जारी की गई क्योंकि इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इस संस्था ने जिस बैच की दवाइयों की जाँच की है वो नकली है और इन कंपनियों ने इन दवाइयों को नहीं बनाया है। आपको बता दें कि नकली दवा को लेकर ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है, ऐसे में आप भी जब दवा खरीदें तो इस बात को जरूर सुनिश्चित करें कि आप जो दवा खरीद रहे हैं वो ब्रांडेड है और सही दवाएं हैं। खबर अब दिल्ली NCR से जुड़ी है, क्योंकि दिवाली से पहले दिल्ली NCR की आबोहवा बेहद खराब